हेलो यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम मेरी ठाक खैरियत से। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो थैंक यू दिल के साथ कि आप लोगों ने मेरे बच्चों के लिए दुआएं की, और खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे अब ठीक हैं और लिशवा का बुखार बिल्कुल उतर गया है। एक ही खुराक खाने से, इतनी अच्छे मेडिसिन थे कि एक ही खुराक से लिशवा हो गई है ठीक। तो कैसा लग रहा है लिशवा? बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। और आज का भी लोग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त होने वाला, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दो तीन दिन से मेरे बच्चे बहुत ना बुखार की वजह से विवश के घर पे, एक तो बुखार था, एक घर पे ही रह रहे थे तो बोर हो रहे थे। तो आज मैंने सोचा कहीं मैं इनको बाहर लेके जाती, थोड़ा इनका मूड फ्रेश हो जाए। तो हम किधर जा रहे हैं, आपने फुल वीडियो करना वो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखे मैं तैयार होके खड़ी हूँ, तो पतरस भी इधर तैयार हो गए। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं कैसे होंगे। तो हाँ जी व्यूअर्स, बच्चे हो गए थे बहुत, तो खुदावन का शुक्र है और आप सब बहन भाइयों की दुआओं के वसीला से बच्चे हो गए हैं ठीक, तंदुरुस्त हो गए हैं। तो बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं और कह रहे थे हमने कहीं घूमने चलना है, तो बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर। हाँ जी, तो कहाँ पे लेके जा रहे हैं? आपने हमारे साथ बने रहना है और आपने बताना है कि जिस जगह पे हम लेके जा रहे हैं वो जगह आपको कैसी लगेगी, ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। और वो जगह विवस जहाँ हम पहले जॉब करते थे उसी एरिया में वो जगह आ रही है जी। तो वो उधर हम जाएंगे तो आपके साथ वीडियो करेंगे शेयर। तो अभी मिलते हैं आपको उधर चल के। हम लोग हैं रास्ते में, तो ये देखिए जरा, ये गिरजा चौक है, वो चर्च है, वो नज़र आ रहा है उसका गुम्बद। तो ये कैंट एरिया सारा, तो अभी लोग हम निकल रहे हैं, तो जिस टाइम निकलते हैं जहाँ पे पहुँचना है तो वहाँ पे पहुँच के आपको मिलते हैं। गुजर रहे थे तो जनाह हाउस आ गया, तो हम लोग इशारे के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये देखे जरा सारी लोकेशन, तो अभी कोई और अफसर है लेकिन पहले इधर कादे आजम जाते रहे। विवास पहुंच गए हैं, तो ये बच्चे खड़े हुए हैं लाइन में, तो रजिया भी खड़ी हुई लाइन में, तो टिकट करवा रही है, तो रजिया खुश हो रही है। टिकट लेंगे फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। तो अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती है क्योंकि ये आर्मी वालों का है जी, और आगे की लोकेशन भी आपको दिखाएंगे जी। तो ये बोर्ड लगा हुआ ऊपर आर्मी का, तो अभी चलते हैं अंदर जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी अंदर जा के देखते हैं कि उधर वो स्नैप्स बना देते हैं ये वीडियो देने, तो वो जा रहा है एरोप्लेन, तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मिलते हैं आप अंदर जा के। लोग आ गए अंदर, तो ये हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, टैंक खड़े हुए हैं, तो इधर खड़े हुए हैं हमको अंदर आके, वो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तो ये बच्चे आ गए अंदर। हाँ जी, वो ये देखिए हेलीकॉप्टर में पाक फौज है, वो भी बैठी हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो हाँ जी व्यूअर्स, आगे जाके ये पाक फौज के हेलीकॉप्टर खड़े हैं, मेरे पहले पीछे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बच्चे इंजॉय कर रहे। तो इधर वीडियो बनाने का लॉ नहीं है, तो फिर भी हम जो है ना बना रहे हैं। रजी आ गई है, तो ये टैंक खड़ा हुआ है, तो ये आपको दिखाते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, तो जो चीज़ें जंग में यूज़ की हुई हैं वो हैं, तो ये देखे काफ़ी पुरानी है। तो इधर और आज हम बच्चों को स्पेशली दिखाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे जिन चीज़ों का नहीं पता वो उनको पता चल जी। और भी समय भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तो अभी बाहर की मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं पहली बार ही आई हूँ। हाँ जी, तो इधर लिशवा भी है, तो मिलते हैं आपको बाहर चल के। आप देख सकते हैं तो काफ़ी पुरानी चीज़ें खड़ी हुई हैं, और ये है तो जिसको बोलते हैं ना वो है ये देखे, और पत्थर से इधर खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी है ये, तो ये देख सकते हैं आप पाकिस्तानी पाक फौज की, और ये भी ये उससे भी बड़ी है। हाँ। ये देखें, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो आप भी अपने बच्चों को हमारी वजह से मामा हमें बाहर लेकर आई है, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा मूड फ्रेश हो गया है। और आपने दुआ में याद रखना, इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी। हाँ जी, तो ये पाक फौज के टैंक खड़े हुए हैं, देखे जरा लाइन लगी हुई है इधर, तो इधर भी लाइन लगी हुई है। ये जो जंग में इस्तेमाल हो चुके हैं ये वो चीज़ें खड़ी हुई हैं। तो रजिया आज ये चेक करने आई हुई है इधर। हाँ जी, बस हमने देखी नहीं थी, तो बच्चों को भी दिखाई है, उनको भी नहीं पता था, मैं भी नहीं पता था, तो थोड़ा पता होना चाहिए जी। तो ये देखे जरा, काफ़ी हैवी ये गन है, और ये टैंक है, डर लगता है। हाँ जी, हेलीकॉप्टर है, तो आप हमारे साथ यूँ जाइए। Yes.
इधर खड़े हो जाओ। आ गए हैं तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको बाहर चल के। अभी बस तो बच्चे घूम के आ गए हैं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी लोग हम निकल रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं आपको घर जा। बस तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, तो आगे की वीडियो आपके साथ कर रहे हैं शेयर। और जो जंग के दौरान विवर सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, वो वीडियो आज हम लोगों ने आपके साथ की है शेयर, क्योंकि जिनको नहीं पता, जो बच्चों को भी नहीं पता, तो वो वीडियो को देखे तो उनको पता चले। तो आगे बताएंगे फतेहस, क्योंकि मुझे इतना उनके बारे में नहीं पता, तो मैं भी पहली दफ़ा गई हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उधर जाके। तो मिले आप फतेहस के साथ। हाँ जी यूट्यूब फैमिली, तो हाँ जी, जिस तरह रज़िया बता रही कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दौरान जंग हुई थी, तब की वो चीज़ें इस्तेमाल की हुई, उधर खड़ी की हुई हैं, उनकी गन वगैरह जो आर्मी के फौजी थे उनकी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो घोड़े अंदर खड़े किए हुए हैं, तो एक रेलगाड़ी का डिब्बा है जिसमें लोग सवार होकर और इस तरह बेचारे, मैं तो देख के, तो बाकी आपने वीडियो में जाके देखना है, आपको पता चल जाएगा। तो मैं उधर, हमने वॉइस अपनी नहीं बोली क्योंकि इस वजह से अंदर इजाजत वीडियो बनाने की, तो फिर भी हमने वीडियो का थोड़े थोड़े क्लिप लिए हैं, तो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज का व्लॉग यही करते हैं खत्म, तो एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, सबके लिए खुदा हाफिज़।